ओके हेलो दोस्तों, मैं आज आपको अपने गांव में देख रही हूँ। एक पहाड़ी फूड है जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई जो है न तेल है ना ऑयल है, इसको जो है आग में जलाया जाता है और ये पूरा जो है गुड़ चावल गेहूँ घर का मंडुआ मक्का ये सब मिला के इसको गूंदा जाता है और ये जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। और इसमें हो सके थोड़ा सा घी मिलाते हैं और तब जाके इसको खाते हैं। तो ये जो है बस बहुत ही इतने खाऊंगा। ये जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। ये जो है अब जो है ये परंपराएं ख़त्म होती जा रही हैं, जबकि ये जो है हमारे जो हमारे प्राचीन लोग थे ये लोग इसको जो है यूज़ करते थे। निरोगी खाए रखते थे, उनकी निरोगी और एक इम्यूनिटी बूस्ट है, क्योंकि इसमें सारी लोकल क्रॉप्स है, लाइक जो चावल आटा और रागी मंडुआ झुंझुरा जिसको सावा कहते हैं, गुड़ जो है इसमें मिलाया जाता है। उसमें आटा गूंद करके इसको जो है उसके ऊपर रखते हैं चावल के उसके ऊपर भाप में स्टीम में इसको पकाते हैं। तो ये ऑयल फ्री है, टोटली ऑयल फ्री है और न्यूट्रिशियस है और बहुत ही ज़्यादा जो है ये है। परंतु अब निरंतर इसकी जो परंपराएं ख़त्म होती जा रही है, जबकि इसका इसकी न्यूट्रिटी वैल्यू अगर देखी जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटी वैल्यू है इसकी, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है और इसमें कोई भी चीज़ बाहर की नहीं है। आप अपनी स्वादानुसार या तो इसमें शहद मिला सकते हैं या फिर गुड़ मिला सकते हैं या चीनी मिला सकते हैं। नहीं मिला सकते हैं अगर गुड़ चीनी को छोड़ दिया जाए तो सब चीज़ें इसमें जो स्थानीय हैं, चावल मक्का आटा और चावल और ये जो ये है सब चीज़ें जो है इसमें लोकल हैं और लोकल जो ऑर्गेनिक होता है ये बहुत ही ज़्यादा जो न्यूट्रिशियस होता है। इसकी न्यूट्रिटी भी इसी के कारण जो है इसको जो है आज तक भी इसको अभी तक भी गाँव में अभी तक इसकी आवश्यकता होती है और सर्दियों में कुछ वो भी देता है, गर्मी भी देता है, गर्मी सर्दी से बचा कर तो इसका रिक्लेशन होना चाहिए। थैंक यू।